जयपुर where पुलवामा मार्टर्स किन वर अलेजेडली असॉल्टेड बाय राजस्थान पुलिस. फैमिली पेटिशंस गवर्नर ओवर इल ट्रीटमेंट बाय कॉप्स ड्यूरिंग प्रोटेस्ट. द पुलिस ड्रैग्ड देम इनटू अ जीप एंड वर अलेजेडली मिसबिहेविंग विद द मार्टर्स किन. सो शॉकिंग केस हैज इमर्ज्ड इन राजस्थान जयपुर where पुलवामा मार्टर्स किन हैव अलेज्ड दैट दे वर असॉल्टेड बाय राजस्थान पुलिस. News 18, Bhavani Singh is with us to give us more details on this. Bhavani, क्या कुछ क्या हुआ था और क्या आप इस पूरे मामले में और जानकारी दे सकते हैं? क्या ये जो allegations लगाए जा रहे हैं राजस्थान पुलिस के खिलाफ, उनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पिछले छह दिन से पुलवामा के अंदर जो शहीद हुए थे उनकी पत्नियां जयपुर के अंदर धरने पर बैठी हुई है और डिमांड उनकी ये थी कि क्योंकि उनका ये कहना था कि जिस टाइम वो शहीद हुए थे उस टाइम जो राजस्थान सरकार की ओर से मिनिस्टर आए थे घरों पर और उन्होंने दो वादे किए थे कि सरकारी नौकरी दी जाएगी परिजनों को, जो ज्यादातर जो दी जाती है, और दूसरा जो इन शहीद हुए उनकी उनकी प्रतिमा गांव में लगाई जाएगी. ऐसी दो तीन चार डिमांड थी, उसको लेकर धरने पर बैठे हुए थे. बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीना जो सांसद हैं वो भी उनके साथ धरने पर बैठे हुए थे. इतने दिन से धरना चल रहा था. इस बीच में कल दोपहर बाद में ये राजभवन गई राज्यपाल से मिलने के लिए अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि सरकार में सुनवाई नहीं हो रही थी. राज्यपाल से मिलने के बाद में चीफ मिनिस्टर आवास की तरफ ये, क्योंकि पास में मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री से मिलने जैसे ही पहुंची तो उस दौरान पुलिस ने इनके साथ धक्का मुक्की की, इनको पकड़कर घसीटा. वो विजुअल्स हैं, फुटेज है जिसमें किस तरीके से उठाकर इनको गाड़ी में पटका गया और एक जो शहीद की पत्नी है मंजू जाट जो घायल हो गई, बेहोश हो गई, उसके बाद में उनको अस्पताल भी ले जाया गया. तो जिस फैमिली का आरोप है कि राजस्थान सरकार सम्मान की जगह उनको किस तरीके से प्रताड़ित की जा रही है, हालांकि सरकार की ओर से सफाई दी गई कि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, और जो ये डिमांड कर रहे हैं जिसको लेकर धरने पर बैठी हुई है क्योंकि इनके बच्चे हैं वो माइनर हैं, वो नौकरी नहीं दी जा सकती, सरकार की एक अपनी अलग सफाई है. जी जी भवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए. नाउ शिफ्टिंग फोकस.